भारतीय सेना के डेगर डिवीजन द्वारा जुलाई अगस्त में कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों पर माउंट नून और माउंट कून तक एक पर्वतारोहण अभियान चलाया गया। जीओसी डेगर डिवीजन मेजर जनरल राजेश सेठी एसएमवीएसएम द्वारा बारामूला में हरी झंडी दिखाई गई। ये अभियान कारगिल विजय दिवस के जश्न को भी चिन्हित करेगा। 2 महीने के गहन प्रशिक्षण के बाद डेगर डिवीजन के अनुभवी पर्वतारोहियों की एक अत्यधिक कुशल टीम माउंट नून और माउंट कून के लिए एक असाधारण अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। कुशल पर्वतारोही कर्नल रजनीश जोशी के नेतृत्व में और समर्पित पेशेवरों की एक सहायता टीम द्वारा समर्थित डेगर डिवीजन का अभियान अनुशासन, टीम वर्क और दृढ़ता के मूल मूल्यों का प्रतीक है। पर्वतारोही टीम को अपने मिशन पर जाने की अनुमति प्रदान करें। वो है दोनों को एक साथ खतरे करना। ऑल द बेस्ट। पर्वतारोही टीम ने पिछले 1.5 माह में जट्टी नाम स्थान पर कड़ी मेहनत की है। इस पर्वतारोही टीम के सदस्यों की संख्या 31 है, जिसमें 2 अधिकारी, 6 सरदार साहिबान और 23 जवान शामिल है। इस टीम में एक प्रशिक्षित चिकित्सक मेजर परमेश कुमार भी। पर्वतारोही टीम अपने मिशन को सफल बनाने के लिए रवाना होगी। ये टीम सोनमार्ग कारगिल से होती हुई 10 जुलाई 2023 को रोड हेड में पहुंचेगी। जैसे जो जवान हो और हमारे मीडिया साहब मित्र, सबसे पहले तो इस समारोह में भाग लेने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है, आप सबका वेलकम है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो मिलिट्री की कार्यक्रम है वो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, लेकिन इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट की जो बाउंड्रीज हैं उसके बाहर भी एक लेयर है जिसको हम कहते हैं एडवेंचर। और मुझे खुशी है कि 19 डिवीजन की ये टीम जो आज फ्लैग ऑफ हुई है यहां से माउंट मून और माउंट कुन को फतेह करने के लिए, इन्होंने स्वयं मेरे को आकर बोला कि मैं इस एक्सपीडिशन में भाग लेना चाहता हूं। और उनका उत्साह और उनका मोटिवेशन देखकर मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि हमें ये प्रयास करना चाहिए। एक चीज जो एमसी ने आपको नहीं बताई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। माउंट नहीं है, इतना सा भी एक डाउट नहीं है कि ये सफल होकर वापस आएंगे और अपना और अपनी डिवीजन का, पलटन का नाम कमाएंगे।